हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Z1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है शेड्यूल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ही ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, बैटरी पर सेलेक्ट करना है। अब बैटरी के इस पेज में आपको नीचे ही ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर का, बैटरी सेवर पर सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपका बैटरी सेवर का पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेट शेड्यूल पे सेलेक्ट करना है। ये आपका पेज ओपन होगा सेट शेड्यूल का, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन परसेंटेज। इस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए तो नीचे की साइड आपको एक पॉइंटर शो हो जाएगा परसेंटेज के साथ। यहां पर इस पॉइंटर को आप ना आगे और पीछे ऐसे कर सकते हैं, आप इस पॉइंटर को कहीं भी रख सकते हैं, 10 20 50 90 80 70 जहां भी आपको रखना है वहां आप रख लीजिए। मैं इसे 25% पे रख लेता हूं, ठीक है। अब हम बैक पेज पे चलते हैं तो देखिए सेट शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा विल टर्न ऑन एट 25%। अब ये बैटरी सेवर सेटिंग आपकी शेड्यूल हो चुकी है। अब ये सेटिंग जो है कैसे काम करेगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है ना 25% पे आ जाएगी तो आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी सेवर है वो आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बैटरी सेवर सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले, बैकग्राउंड डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, व्हाइट से ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बैटरी सेवर ऑन होने के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं चार्जिंग के लिए और आप अपने फोन को फिर भी कंटिन्यू यूज करते जाते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी सेवर मोड जो ऑन हो गया है ना ऑटोमेटिक, वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा ड्रेन होने से बचाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने से बचाएगा, खत्म होने से बचाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है बैटरी सेवर सेटिंग तो ऐसे काम करती है, ठीक है, ऑन होने के बाद। और शेड्यूल करने का फायदा क्या होता है दोस्तों, देखिए शेड्यूल करने का फायदा यह होता है कि आपकी जो सेटिंग है ना, जो आपने शेड्यूल करी है, शेड्यूल करने से आपकी बैटरी सेवर सेटिंग एवरी डे ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी 25% पे बचेगी उसी वक्त आपके फोन का जो बैटरी सेवर है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगा। चाहे एक दिन में आप, चाहे बार बार आपका बैटरी लेवल 25% पे आ जाएगा तो तभी आपकी 25% पे आने पे बैटरी सेवर सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है ना आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाला बटन मैंने आपको दबा के दिखाया था, इस सेटिंग को मैंने ऑन कर दिया था अभी, तो ये बटन दबाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप इस सेटिंग को शेड्यूल करते हैं तो, ठीक है।